स्थानीय अपराध शाखा अकोला ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर 4 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया है। अकोला जिले में बड़ी संख्या में चार पहिया और दो पहिया वाहनों की चोरी होती है। पुलिस अधीक्षक अकोला ने स्थानीय अपराध शाखा अकोला को मामले की जाँच करने को गोपनीय मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। संदिग्ध मोटरसाइकिल चोरी करने वाला फिरोज उस्मान मुर्दीवाले उम्र 38 साल बादशाह खान चौक गौलीपुरा अकोला निवासी गौलीपुरा अकोला के यूसुफ टुकड़ू बहर वाले उम्र 34 वर्ष इन्हें हिरासत में लिया गया है और गहन पूछताछ की गई और उसके पास से उसके हीरो होंडा स्प्लेंडर और पैशन कंपनी की कुल 10 मोटरसाइकिल जब्त की गई और 4 लाख रुपए जब्त किए गए तथा थाना रामदासपेट अकोला अब सी 239/24 धारा 379/92 पोस्ट रामदासपेट अब सी 431/23 धारा 379/92 पोस्ट रामदासपेट यूपीसी 77/24 धारा 379/92 आईपीसी पोस्ट सिटी कोतवाली अब सी 306/24 धारा 379 आईपीसी पोस्ट सिटी कोतवाली अब सी 135/24 धारा 379 आईपीसी कुल 5 अपराधों का पता चला और अन्य 5 मामले पाए गए हैं। मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और आरोपी बना क्या है इसकी जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन रामदासपेट अकोला में भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह सामा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शंकर शेल के स्थानीय अपराध शाखा अकोला के साथ पपानी गोपाल जाधव एएस दशरथ बोरकर फिरोज खान गोकुल जवान कुशाल निबाड़ी मोहम्मद आमिर आकाश मानकर धीरज वानखेड़े अभिषेक पाठक अंसार अहमद स्वप्निल खेड़कर इन्होंने कार्यवाही की। NBC न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।